जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, जो शुक्र देवता अभी तक यानी 12 जून सन 2024 बुधवार के दिन शाम को 6:37 पर वृषभ राशि में विराजमान थे, वो शुक्र देवता वृषभ राशि से निकलकर 12 जून 2024 बुधवार के दिन ही 6:37 समाप्त होने पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और शुक्र देवता का अपना घर छोड़कर अपने मित्र के घर में आकर बैठ जाना किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इस सब की चर्चा करने के लिए आज मैं गुरु रजनीश ऋषि स्वामी राज ऋषि के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूं शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में। तो जिस समय शुक्र देवता ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उस समय आसमान में जो ग्रहों की स्थिति थी उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करूंगा। आसमान में वृश्चिक राशि उदय हुई थी, शनिदेव अपने स्वयं के घर में कुंभ राशि में विराजमान थे, राहु महाराज मीन राशि में विराजमान थे, मंगल देवता मेष राशि में विराजमान थे, सूर्यदेव बुद्धदेव और देवगुरु बृहस्पति ये तीनों वृषभ राशि में विराजमान थे और शुक्र देवता अब मिथुन राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे। चंद्र देवता सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और केतु महाराज कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ये राशि परिवर्तन के बारे में आपको विस्तृत चर्चा करूं, आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा आप शनि पीठ मंदिर के इस चैनल यानी गुरु रजनीश ऋषि के नाम से जो ये चैनल है, जिसमें पहले से ही आप जैसे 23.5 लाख 23.5 लाख भक्तगणों ने इसे सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी इस चैनल को इसी समय अभी सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव, मैं रामपाल फरीदाबाद से। रजनीश ऋषि जी से मैं एक साल पहले मिला था, 2021 के आसपास मैंने उनसे अंगूठिया ली थी, काफी मुझे फायदा हुआ। मेरी केमिस्ट की दुकान है, अब मैं गेस्ट हाउस भी खोलने जा रहा हूँ। अब किसी कारण बस वो अंगूठी टूट गई, जो मुझे परेशानी बढ़ी। फिर मैंने दोबारा उनसे संपर्क किया, उन्होंने जो है मुझे फिर बताया मेरा काम अच्छा चल रहा था, अब फिर दोबारा से मैं उनसे अंगूठी लेने जा रहा हूँ। जय शनिदेव। बात करूंगा मैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, यानी वर्गो जोडियाक साइन वालों, ये जो शुक्र देवता हैं, ये राशि परिवर्तन करके आपके धन के खाने से निकल के आपकी तिजोरियों से निकल के आपके कर्म स्थान पर बैठने जा रहे हैं। अब जब ये शुक्र देवता कर्म स्थान पर बैठेंगे तो यानी आप ऑफिस में, अगर आपका अपना ऑफिस या दुकान है या जहाँ बिजनेस करते बैठेंगे तो वहाँ खर्च कराएंगे कुछ ना कुछ, और उसकी सूरत और सीरत बदल देंगे, उसे खूबसूरत बना देंगे। साथ ही साथ किसी स्त्री विशेष की वजह से आपको फायदा होने की संभावना बना देंगे कि आपको आपके काम धंधे में या आपकी नौकरी में या आपके व्यापार में किसी स्त्री विशेष की वजह से विशेष लाभ होगा, या जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में किसी स्त्री विशेष की मदद की वजह से विशेष लाभ होगा। तो इस शुभ समय का आप भरपूर उपयोग करिएगा ताकि अधिक से अधिक लाभ इस समय विशेष पर कन्या राशि वालों, ये तो आपके भाग्य के देवता हैं, अगर आपके कर्म स्थान पर आके बैठे तो कर्म स्थान में बरकत ही बरकत देंगे, तो इस समय का लाभ उठाइएगा। किंतु आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे गुरुजी हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो भाई आपकी जो जन्म कुंडली के खराब ग्रह हैं वो आपके शुभ फलों को खा जाएंगे, तो आपके साथ अच्छा कहाँ से होगा, अच्छा तो होगा ही नहीं, और जब अच्छा नहीं होगा तो आपको दिखेगा कहाँ से, तो परेशानी तो रहेगी रहेगी, उल्टा खराब ग्रह आपको परेशानी ही बढ़ाएंगे और अच्छे फल तो खुद ही खा जाएंगे, तो आप तक पहुंचने ही नहीं देंगे, इस वजह से आप परेशान हैं। तो जो लोग परेशान हैं अपनी जन्म कुंडली से, अपनी परेशानियों को लेकर, अपने खराब ग्रहों की वजह से परेशान है, क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ होता है नवग्रह देवताओं की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, तो इन ग्रहों को जब ठीक कर लेंगे तो निश्चित रूप से आनंद का अनुभव करेंगे और आपके जीवन में निरंतर तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते चले जाएंगे, तो फिर देर किस बात की है। ऐसे सभी व्यक्तियों से कहना चाहूंगा आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरों पर फोन करके, या फिर जो 6364650078 वाला नंबर है उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप अपने आप ही हमारा यानी गुरु रजनीश ऋषि का
पर्सनल वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या पर्सनली हमारे शनिपीठ मंदिर आकर मिलने का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, स्वामी राज ऋषि का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमसे मिलकर फेस टू फेस वन टू वन डिटेल में अपनी सभी परेशानियों के बारे में हमसे चर्चा कर सकते हैं और उन परेशानियों को दूर करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वो आसान उपाय जान सकते हैं जिनके माध्यम से आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लाया जा सके। वो भी ऐसे उपाय जो साल में सिर्फ एक बार करेंगे पूरे साल फायदा होता है, या तीन साल में एक बार करेंगे पूरे तीनों साल तक फायदा होता है। तो इन उपायों को जानने के लिए और अधिक देर मत करिए, अभी स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करिए और अपना अपॉइंटमेंट या तो अपने आप बुक करिए या फिर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर फोन करके अपॉइंटमेंट बुक कराइए। जय शनिदेव।